अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बजाय इसके कुछ नहीं आ जाता है कि किस तरह से जब रशिया ने रशिया ने कि अफगानिस्तान मिलता पाकिस्तान का और दिखा भी इस तरह से रहा है कि बजाय इसके कि बराह बात करें और अपनी जो कंसर्न है वो दूर करें वो खुफिया अटैक होते हैं यानी कि तरीके तालिबान पाकिस्तान के खाड़ी में लोग इस तरह बैठे हैं तो वहाँ की जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान है उसके साथ मिलकर दरअसल ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान से होते करते हैं और जिसको हमने देखा हाल ही में बात में उसके साथ जो जवान वापसी की शादी थे शादी थी और उसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन वहाँ पर स्ट्राइक करनी पड़ी स्ट्राइक करनी पड़ी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बजाय इसके कुछ नहीं आ जाता कि किस तरह से पाकिस्तान जब रशिया ने रशिया ने उसकी तरह अटैक किया था इसके तरह हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान मिलता पाकिस्तान का और दिखा भी इस तरह से रहा है कि बजाय इसके कि बरह रास्त बात करें और अपने जो कंसर्न है वो दूर करें वो खुफिया अटैक होते हैं यानी जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के खाड़ी में लोग इस तरह बैठे हैं और कुछ इस तरह पा चुके हैं तो वहाँ की जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान है उसके साथ मिलकर दरअसल ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर करते हैं और जिसको हमने देखा हाल ही में बात में उसके साथ जो जवान वापसी की खाने को शहादत हुई और जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन वहाँ पर स्ट्राइक करनी पड़ी स्ट्राइक करनी पड़ी और जो निशाना बनाया उनके उसके बनाया। इसी तरह से हमने देखा कि इंडिया के साथ भी एक ऐसा ही मामला हो चुका है और ईरान के साथ यानी उन्होंने पहले दखल दारंदाजी की हमारे यहाँ और यहाँ पर अटैक किया था जिसके दौरान में फिर पाकिस्तान किया तो गोया कि पाकिस्तान जो है वो इस एतबार से ये कभी नहीं है कि वो जाहिर तो ये बात बिल्कुल से कहता जो आ रहा है कि हम फिर हम बताए बाकी के अपील के तहत सकते रहते जाते हैं लेकिन जो हमारे हमसाए हैं वो पाकिस्तान के इस ख्वाहिश के जवाब में अपनी जो हाकिमियत है और अपनी जो ताकत है उसका मुजाहरा करने की आवाज कोशिश करते हैं और ऐसा ही पाकिस्तान की जानब से बच गया और वहाँ भी बच गया और पाकिस्तान अटैक किया पाकिस्तान के उसके जवाब में जो कार्रवाई की है उसके बाद से अपनी आई मुजाहिर मामले में लेकिन इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ईरान हो इंडिया हो पाकिस्तान को दरअसल कई एक महाज है जिसके ऊपर बहुत प्रॉफिट है यही वजह है कि खास तौर जो है वो हम वक्त हमारे बॉर्डर की निगरानी करती है और जो मुल्क के हमें दरपेश है गर्मी का चैलेंज उससे भी नहीं करती है। इसी तरह से हमने ये देखा कि पिछले साल में अक्टूबर में एक डेडलाइन दी गई है वो नागरिक के तौर पर पाकिस्तान की नहीं कि आप 26 अक्टूबर तक पाकिस्तान उसके बाद आपके खिलाफ से दादी की कार्रवाई की जाएगी और छोटी इंडिया से तकरीब तक कि 5 लाख के करीब अफगानी जो वो अफगानिस्तान अंदर जाती है लेकिन 30-40 लाख की यहाँ आबादी यहाँ मुस्लिम है यहाँ पर उसकी एक रस्मी पैदा होती है और फिर जो पाकिस्तान के अंदर उसके कारोबार भी पाकिस्तान के मौजूद है और फिर यही लोग जो हैं वो उन दहशत गर्दों के झांसे में आकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए हम सब की ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान के पाकिस्तान के खड़े हों और ये जो चैलेंज जिसमें हम ही शिकार होते हैं हमारे ही बहन भाई शिकार होते हैं हमारे ही पुलिस के हमारे ही फौज के हमारे ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जवान शहीद होते हैं और उनकी जो रैयतों को उठाकर लाते हैं उनके जवाबे करते हैं लेकिन कहीं पर भी ये क्या एहसास मौजूद है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई की थी उसका किसने साथ दिया था तो क्या उसका जवाब ये हो सकता है। अब ताज़ा तरीन इतलात में कि पाकिस्तान ने कैप्टन से उस ड्राइव को शुरू करने का ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर होती गैर होती है माफ कर सके अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान चलेगा। दूसरा फेज होता है और अहम बात यह है
कि डॉक्टर लक्ष्मी यानी वफाकी वजीर दाखिला डॉक्टर लक्ष्मी इस हवाले से किसी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है और उन्होंने ये बात इंसानी तौर पर कही है कि पाकिस्तान अपने तमाम दर जो उसके मफादात हैं उनकी हिफाजत के लिए और उनकी मेहरबानी के लिए कोई भी कदम उठा सके। अफगानिस्तान को इस हवाले से जो बात कर रहे हैं ईरान की पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ दिल के लोगों को उकसाते थे कि ये जो चुपके से छुप कर वार करने की भारत की हमेशा से एक आदत रही है, जिस तरह से कि हम जानते हैं कि वो अभी लेकिन वाला वाक्य भी किया था। अफसोस तो ये हुआ कि ईरान की तरफ से किया था और उसने अचानक से अटैक करके यहाँ पर टारगेट से निकाला गया जिसके बच्चे थे ये पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है और ये वो वक्त है कि हम सब पाकिस्तान की पाक फौज के साथ हिम्मत के साथ दाखिला के साथ डटकर खड़े होने चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान अपने मफादात की निगरानी के लिए हम पर एक है। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हमारे सिपाही इख्तलाफात की हमारे नजरियाती फर्ज होगी, हमारी तब्दीली फर्ज होगी जो हिफाजत है।